तो पहला पॉइंट है अ बेंड इन अ लेवल रोड. इसका मतलब क्या समझते हो? बेंड इन अ लेवल रोड का मतलब क्या होता है? टर्न आ जाना. लेवल रोड है, बेंड आ गया, मोड़ आ गया, टर्न आ गया. हम सड़क पे जा रहे हैं, राउंड अबाउट आ गया, तो वो एक जो है टर्न आ गया. ठीक है, तो गोल घूमेगी गाड़ी उसमें. अब वो कह रहा है कि रेडियस 100 मीटर है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ कार टर्निंग दिस बेंड मे हैव विदाउट स्किडिंग. वो कह रहा है जी कार को टर्न करना है और म्यू की वैल्यू इतनी है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? ये लेवल रोड है, लेवल रोड पे फॉर्मूला क्या किया था? अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. तो मैक्सिमम स्पीड जो गाड़ी की हो सकती है वो अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी होगी. म्यू पता है, आर पता है और जी पता है, यहां से आंसर आएगा. कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है? मतलब ये 3-4 क्वेश्चन सिर्फ ये बता रहे हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है. आपने ये देखना होता है कि लेवल रोड है या बैंकिंग ऑफ रोड वाला क्वेश्चन है. तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो. अ कार ऑफ मास 1500 kg, एक कार है जिसका मास 1500 kg है, मूविंग विद स्पीड ऑफ 12.5 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर ऑन अ लेवल रोड. फिर से लेवल रोड है. फाइंड म्यू ताकि कार स्लिप ना हो. कौन सा फॉर्मूला लगाएं? वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर जी. लगाओ फॉर्मूला. जो वी मैक्स है लेवल रोड पे, म्यू टाइम्स आर जी निकालो. म्यू की वैल्यू आनी चाहिए 0.8, चेक करो. हाँ जी, वैल्यू पुट कर लो इसमें. आपको स्पीड पता है इसमें 12.5 है. आपको इसमें रेडियस पुट कर लेना, इसमें 20 है. जी की वैल्यू 10 पुट कर लेना, स्क्वेयरिंग करके म्यू निकालना, 0.8 आएगा. सीट चेंज, पहले सीट चेंज करनी पड़ती है. मास क्यों लिया? मास चाहिए ही नहीं है, यही तो कंफ्यूजन है. मास करना क्या है? कोई भी गाड़ी मूव करेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट म्यू आर जी ही रहेगा. लेवल रोड पे फॉर्मूला ये किया आपने. हमने किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं डिस्कस किया कि ये टॉपिक कार के लिए, ट्रक के लिए नहीं है. मास डिफरेंट तो ना किया. मास कोई बॉडी के लिए सेम रूल अप्लाई करेंगे. पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? नेक्स्ट, एंगल थ्रू विच अ साइक्लिस्ट बेंड्स. इसका मतलब बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की प्रॉब्लम है. बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है फ्रॉम अ वर्टिकल, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बेंड हुआ साइक्लिस्ट ताकि ही क्रॉसेज अ सर्कुलर पाथ 34.3 मीटर इन अ सर्कमफ्रेंस इन रूट 22 सेकेंड. फॉर्मूला क्या लगेगा? मैंने दे दिया टैन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी. साइक्लिस्ट का ये क्वेश्चन है. निकालना क्या है इसमें? इसमें आपको थीटा निकालना है. आपको इसमें आर पता है, आपको इसमें जी पता है. आप मुझे ये बताओ इसमें वेलोसिटी क्या है पहले? तो कैसे निकलेगी वेलोसिटी? वी इक्वल टू आर ओमेगा. ने ओमेगा नहीं गिवन मुझे. डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्योंकि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो स्पीड बोल सकता हूं मैं. स्पीड क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो बोल नहीं पाऊंगा सर्कुलर मोशन में, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगी. डिस्टेंस तो बोल ही सकता हूं. डिस्टेंस क्या है? सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस कितना है? 34.3. और टाइम कितना है? अंडर रूट ऑफ 22. ये आपके पास स्पीड आएगी. क्लियर है यहां तक? इस स्पीड को उठा के यहां पुट कर देना स्क्वेयरिंग. आर की वैल्यू क्या है? आर भी निकालना पड़ेगा. 34.3 इज 2 पाए आर. जो भी आर आएगा यहां पुट कर दें और चेक करें क्या टैन थीटा 1 आ रहा है. हाँ, निकाल लेना. 22/7 पुट करना ना, क्योंकि वहां पे रूट 22 भी आया हुआ है. तो चेक करें, टेन थीटा 1 आना चाहिए.
तभी तो एंगल थीटा 45 डिग्री आएगा अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन। चेक कर लो, वैल्यूज पुट करो इसमें, अभी कर लो। वन आ रहा है, सर्कमफ्रेंस से आर आएगा ना, सर्कमफ्रेंस गिवन है 2πr, वहां से वैल्यू आएगी। कितने लोगों का टैन थीटा 1 आ गया? ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से देखना, बुक्स में कंफ्यूजन हो जाती है जब ये आप इस न्यूमेरिकल को करते हैं। क्वेश्चन है, सर्कुलर रेस ट्रैक जिसका रेडियस आपको गिवन है, आर गिवन है, इज बैंक्ड, बैंकिंग वाला क्वेश्चन है, बैंकिंग का एंगल क्या है, 15 डिग्री है, म्यू आपको उसने दे दिया। व्हाट इज द, दो पार्ट है, व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार टू अवॉइड वेयर एंड टेयर ऑफ टायर। स्पीड बताओ बैंकिंग पे गाड़ी को चलना है ताकि बस टायर ना घिस जाए, और दूसरा मैक्सिमम स्पीड बताओ ताकि गाड़ी स्किड ना हो जाए। देखो मैक्सिमम स्पीड तो मैंने डेरिवेशन में निकाली थी, जो हमने ये वी का फॉर्मूला निकाला था वो एक्चुअल में क्या था, वो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला था कि इससे आगे कार मत चलाना नहीं तो स्किडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बी पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बोल रहा हूँ? बी पार्ट में आप आर पुट कर लेना, जी पुट कर लेना, म्यू पुट कर लेना, थीटा पुट कर लेना, आंसर आएगा। प्रॉब्लम है इस पार्ट का आंसर कैसे बुक्स में लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? इस पार्ट में बैंकिंग ऑफ ट्रैक पे ही गाड़ी चल रही है, सड़क उठी हुई है, पर उसने म्यू को क्या ले लिया, निग्लेक्ट कर दिया। क्यों? अभी अभी बात की थी कि एक्चुअल में बैंकिंग इसलिए की जाती है ताकि फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं मिलती। बारिश का दिन है, सड़क टूट जाती है या सड़क खराब भी हो जाती है, फ्रिक्शन कम होती रहती है, तो इस वजह से हम क्या कर देते हैं, बैंकिंग। तो जो वियर एंड टीयर है उसको भी बचाया जाता है, क्योंकि सड़क खराब होगी वियर एंड टीयर होगा टायर का, तो आप फ्रिक्शन के अफेक्ट को कम करते हुए बैंकिंग से उसको एडजस्ट करते हो। अब वो तो कह रहा है कि टायर घिसना ही नहीं चाहिए, वियर एंड टीयर बिल्कुल मिनिमम हो, तो ठीक है यार तुम बैंक करते जाओ जितना करना है, बैंक तो करना ही करना है, बिना बैंकिंग के घूमेगी नहीं, तो तुम एक काम करो उसको बैंकिंग करके ना म्यू को जीरो अप्रॉक्सीमेटली निग्लेक्ट ही कर दो, क्योंकि जब तक फ्रिक्शन रहेगी टायर तो घिसेगा ही घिसेगा, तुम फ्रिक्शन ही निग्लेक्ट कर दो, निग्लेक्ट करने का मतलब म्यू को अप्रॉक्सीमेटली जीरो ले लो, तो आपके पास वेलोसिटी टैन थीटा का फॉर्मूला, जब आप यहाँ पर म्यू जीरो पुट करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, अभी स्पेशल केस किया भी था, और वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बनेगा, तो तुम आर जी थीटा को पुट करके आंसर निकालो। ये वो स्पीड है जो बिना फ्रिक्शन के गाड़ी चलेगी, कम से कम वेयर एंड टीयर नहीं होगा। तो पहले पार्ट में उसका जो फोकस है वो वेयर एंड टीयर के ऊपर है, गाड़ी चलाने पर कम है, और दूसरे पार्ट में फोकस है तेज गाड़ी चलाने पर, कि इससे तेज तो बस स्किडिंग हो ही जाएगी। समझ में आ रहा है दो पार्ट्स अलग क्यों हैं, और जबकि दोनों के दोनों पार्ट्स बैंकिंग के ऊपर ही बेस्ड हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज ये हो सकता है कि बैंकिंग में फॉर्मूला तो एक ही किया हुआ है, जबकि मैंने आपको दो फॉर्मूले करवाए थे, स्पेशल केस भी करवाया, म्यू इज इक्वल टू जीरो का केस भी करवाया। तो अगर ऑप्टिमम स्पीड वियर एंड टीयर नहीं करवाना तो म्यू को जीरो कर देना, और अगर तेज चलानी है गाड़ी और मैक्सिमम स्पीड निकालनी है फिर तो ये फॉर्मूला है ही है, इसमें वैल्यू पुट कर लेना। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में, क्या डिफरेंस है? ठीक है,